विसर्जन होने जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी पुंछ निवासियों को, बल्कि पूरे भारतवासियों को, भारतीय जहाँ जहाँ भी है दुनिया में, सबको आज अनंत चतुर्दशी की बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 11 दिन से जो गणपति महाउत्सव यहाँ प्राचीन शिव दुर्गा भैरव मंदिर, सुथरा बावली मंदिर और काली माता मंदिर में पुंछ के अंदर मनाया जा रहा था, आज उसका समापन है। आज आप देख रहे हैं भक्तों में कितना उत्साह है। आज 11 दिन के बाद गणपति जी की प्रतिमा का जो है वो हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो मैं गणपति जी के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि गणपति जी अपनी कृपा हमारे इस पूरे भारतवर्ष, हमारे इस पुंछ पर जो है बनाए रखें, और हमारा जो भाईचारा इतने सालों से यहाँ कायम है वो ऐसे ही कायम रहे। मुबारकबाद देता हूँ मैं पुंछ वालों को विसर्जन में। विसर्जन के उपलक्ष्य में आज तीन झांकियाँ जो पुंछ के अंदर से निकलती हैं, एक पावर हाउस से, एक सुथरा बावली से और एक देवी माता के मंदिर से। आप देखें पूरा हिंदू मुस्लिम सिख अताज जो है इसमें शामिल है। ये हिंदू अताज जो मुस्लिम अताज है, सिख अताज है, इसकी मिसाल पुंछ में दिखाई जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा अच्छा रोल है यहाँ पर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, JKP, CRPF, SSP साहब ने, SHO साहब ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है, हमारे साथ यहाँ पर कॉपरेट किया। पिछले 7 दिन से ये जो महोत्सव है पुंछ के अंदर चल रहा था 3 स्थान पर, आज उसका अंतिम जो चरण है वो यहाँ से झांकी निकल कर पुंछ बाजार से होते हुए सीधा दरिया में जाएगी, वहाँ पर गणपति जी का विसर्जन होगा। धन्यवाद।